आज हम उत्तर प्रदेश सरकार में ANM समेत आशा बहू की खास तस्वीर दिखाएंगे, जहां पर आशा बहू जो कि हर ग्रामीण क्षेत्रों में नियुक्त है, जिनकी लापरवाही से PSC अमरोहा कानपुर देहात क्षेत्र के डिलौलिया बांगर गांव में एक प्रसूता की मौत हो गई। जी हां, आपको बता दें कि एक ओर जहां सरकार अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था ग्रामीण अंचल क्षेत्रों में देने का दम भर रही है, वहीं उनकी ही सरकार में नियुक्त आशा प्रसूता महिलाओं की मौत की सौदागर बनती नजर आ रही है। जहां डिलौलिया बांगर गांव में तैनात पिंकी के द्वारा गांव की ही नीलम पत्नी रवि निषाद उम्र 30 वर्ष जो की 6 महीने के आसपास गर्भवती थी, जिसको आशा बहु पिंकी के द्वारा समय से कोई भी टीकाकरण नहीं कराया गया और ना ही समय से कोई भी टीकाकरण बनाया गया। जहां सरकार जननी सुरक्षा योजना एवं मातृ शिशु सुरक्षा योजना समेत सरकार कई ऐसी योजनाएं जमीनी स्तर पर चला रही है, वहीं कानपुर देहात अंचल क्षेत्रों में तैनात आशा बहू पिंकी सरकार की योजनाओं को पलीता लगाते हुए प्रसूता महिलाओं को समय से टीकाकरण न कराते हुए खुला मौत का निमंत्रण दे रही है, जिससे आज एक प्रसूता महिला की मौत हो गई। इस प्रसूता महिला की मौत का जिम्मेदार कौन देगा जवाब, आइए देखिए इस खास रिपोर्ट में। बता दें कि PSC अमरोहा क्षेत्र के डिलौलिया बंगल गांव में जहां पर एक नीलम नाम की महिला जिसकी उम्र 30 साल थी, जहां पर वहां पर तैनात पिंकी नाम की जो आशा बहू हैं और ANM की लापरवाही चलते एक प्रसूता की मौत हुई है। लगातार हम उस तस्वीर पे ले चलते हैं जहां पर आज हम जीरो ग्राउंड पे हम आ चुके हैं PSC अमरोहा पर। यहां पर आप देख, यहां पर आशा बहुओं की मीटिंग चल रही है और यहां पर हम डिलौलिया गांव में तैनात पिंकी आशा बहू की खास तस्वीर दिखाएंगे, जहां पर जिनकी लापरवाही के चलते एक प्रसूता महिला नीलम की मौत हो गई जिसकी उम्र 30 साल थी। यहां पर हम पिंकी जो आशा बहू है उनसे बात करेंगे ये घटना कैसे हुई, और बताते चले कि 6 महीने कुछ दिन गुजर जाने के बावजूद भी उस महिला के कोई भी स्वास्थ्य टीके नहीं लगाए गए, ना ही कोई स्वास्थ्य कार्ड बनाया गया, जो कि कार्ड बनता है कोई कार्ड नहीं बनाया गया। लगातार एक खास तस्वीर दिखा रहे इस मामले में, इस प्रसूता की मौत के मामले में हम पिंकी जी से बात करना चाहेंगे कि उस मौत का जिम्मेदार कौन होगा। बात करेंगे, हमारे कैमरे के सामने देख सकते हैं ये पिंकी मैडम खड़ी हुई हैं जो कि डिलौलिया बांगल गाँव की आशा बहू हैं और इनका नाम पिंकी है, और इनके ही क्षेत्र में, इनके ही अंडर में वो महिला आती थी जिसका नाम नीलम था, जिसकी मौत अभी हुई है 27 तारीख को, और उसने 6 महीने 10 दिन का एक बच्चे को जन्म दिया हुआ है, और इन 6 महीने 10 दिन में गर्भवती महिला जो नीलम थी उसके कोई भी स्वास्थ्य टीके नहीं लगाए गए, ना कोई कार्ड बनाया गया। ऐसी खामियां लगातार ग्रामीण अंचल क्षेत्रों में मिलती रहती हैं, ये लगातार देख सकते हैं। और भी यहाँ पे आशा बहु हैं, ऐसी कुछ शिकायतें भी नज़र में नहीं आई हैं, लेकिन फिलहाल पिंकी के विषय में ये लापरवाही, जहाँ पर इनकी लापरवाही चलते एक नवविवाहिता प्रसूता की मौत हो गई है जिसकी उम्र 30 साल थी, ये देख सकते हैं लगातार मेरे कैमरे सामने हैं, इनसे बात करें। थोड़ी देर मैडम इधर आ जाइएगा। आप पहले अपना नाम बताइए। पहले पिंकी जी, हमारा गांव में आप आशा बहू तैनात हैं, डिलौलिया बांगर में। अच्छा, एक अभी 27 तारीख को एक प्रसूता महिला थी नीलम नाम की जी, कैसे उसकी मौत हुई? हमें कुछ मालूम नहीं है, हमें उसने कुछ नहीं बताया है। हम जैसे उससे पूछते रहे आपका पेट हमें कुछ बड़ा लगता है, तो कुछ दीदी आपको आया ही नहीं है कि हमें कुछ नहीं है। जब हम देख सकते हैं भैया, हम भी शादीशुदा हैं, हमारी पत्नी है, या 2-4, 6 महीने 8 महीने होते तो अंदाजा लग जाता है, लेकिन ये आशा बहू होने के बावजूद उनको 6 महीने का महिला का पेट नजर नहीं आया। और ये बताइएगा कि आपने कितने स्वास्थ्य टीके लगवाए उनके? नहीं, एक हमारे गाँव में दूसरी नहीं नहीं पहले अभी ये बताइए, जो क्वेश्चन करो उसका जवाब दीजिएगा, आपने टीके कितने लगवाए? वो 6 महीने 10 हमें जब कुछ जानकारी नहीं थी उसके, तो फिर आप आशा बहू नहीं, आप आशा बहू हैं, किस तरीके से आप नहीं, हम उससे पूछ ही सकते हैं, जब उससे वो हमारे मुंह से नहीं बता रही है कि हमें कुछ नहीं है। मैं अधीक्षक महोदय जी आदि सचान जी से कहना चाहूंगा, ये आपके कार्य क्षेत्र में तैनात आशा बहू पिंकी है जो की सवाल जो कर रहे हैं उसका जवाब नहीं दे रही है, उल्टा सवाल कर रही है, लेकिन मैं ये पूछ रहा हूँ की आपने उनके टीके कितने लगवाए? मैंने नहीं, मुझे मैंने पूछा उनसे, उन्होंने बताया नहीं की मैं गर्भवती नहीं हूँ, तो मैंने टीके नहीं लगवाए। आप लोगों काम होता है, घर घर जाना पड़ता है, आप जाती रहती हो, आपको 6 महीने महिला का पेट नजर नहीं आया था? हमें बिल्कुल नजर आया था, लोग कह रहे लगे हमारे 2-2 ऑपरेशन हुए हैं, हमारे इस वजह से पेट ज्यादा है, तो उसने हमें बताया नहीं कि गर्भवती हम नहीं हूँ। गांव में कई लोगों ने आपसे ये हमसे बताया, हमारे कैमरे में बताया है कि आप कल्पी रहती हैं, आपको 6-6 महीने कोई गाँव वाला देखता नहीं है। मतलब गांव में, डिलौलिया गांव में 2 महिलाएं और भी हैं गर्भवती, जिनका कहना है कि पिंकी के द्वारा अभी तक ऐसा कोई भी टीकाकरण या कार्ड नहीं बनवाया गया है, क्या कहना चाहेंगी आप? वो गर्भवती बाहर रही हैं, वो यहाँ थी नहीं, वो गर्भवती अभी आई हैं, तो मैं शासन के आला अधिकारी से कहना चाहूंगा,
डिप्टी सीएमओ सीएमओ साहब जो कि माती में बैठे हैं और खासकर हमारे आदित्य सचान जी कि लगातार ये आशा बहू है, इनके गोलमाल जवाब लगातार उत्तर प्रदेश सरकार भी हमारे चैनल के माध्यम से देखी, जहाँ पर इनकी लापरवाही चलते एक प्रसूता महिला की मौत हुई है और अपनी गलती न स्वीकारते हुए लगातार मृतक महिला के ऊपर ही आरोप लगा रही हैं। लगातार देख सकते हैं, अगर इनको ये नहीं पता कि 6 महीने के पेट कितना बड़ा होता है, वो क्या गर्भवती है या नहीं है, तो ऐसी अनभिज्ञ महिलाओं को आशा बहू कैसे नियुक्त किया जा सकता है। और भी यहाँ पर हमारी आशा बहुएँ बैठी हुई हैं, हमारी बहनें बैठी हुई हैं, ऐसी कोई खामियां अभी जमीनी स्तर पर देखने को नहीं मिली हैं, लेकिन लगातार ये पिंकी मैडम है जो कि ड्यूटी करती हैं कानपुर देहात नगर पंचायत अमरोधा से पीएससी अमरोधा में और रहती हैं कालपी में, ऐसी तो है, गलतियाँ अपनी स्वीकार करती हैं, क्यों नहीं करते, जो गलती होती गलती स्वीकार कर रही है। कि संपर्क दूसरी आशा से था, कौन था दूसरी, अकल्पना, कल्पना जी से भी बात की जाएगी, लेकिन जहाँ तक जानकारी लोगों से पता चला था कल्पना जी उस गर्भवती महिला को लेकर अस्पताल खुद लेके गई थी। अच्छा मैडम है और लगातार ये खास तस्वीर उत्तर प्रदेश सरकार के स्वास्थ्य महकमे को मैं कहना चाहूंगा, ये देख सकते हैं ये आशा बहु है, अनभिज्ञ आशा बहु है, ये तो ऐसी घटना पहली बार हुई कि और भी ऐसी घटना हुई है, पहली बार हुई है वो, हाँ, दूसरी आशा प्राइवेट हॉस्पिटल में लेके गई है, इस वजह से उसकी घटना हुई है। क्या प्राइवेट में ले, कमीशन बता होता है क्या आप लोगों का, पता नहीं। एक बात और, उत्तर प्रदेश सरकार को खासकर मैं स्वास्थ्य महकमे की टीम से कह दूं कि जो भी आशा बहुएं होती हैं उनका एक रूल होता है कि अच्छे भले महिलाएं जो सरकारी अस्पताल में भर्ती होती हैं डिलीवरी के समय, तो एक कमीशन के लिए, एक मोटे कमीशन के लिए प्राइवेट अस्पतालों को भी दे देती है कि प्राइवेट अस्पताल जाइएगा। तो बताते हैं कानपुर देहात में करीब बहुत सारे ऐसे प्राइवेट क्लिनिक है जहाँ लगातार आशा बहुओं का कमीशन बना होता है, जो एक नॉर्मल डिलीवरी सरकारी अस्पताल में होना चाहिए लेकिन नॉर्मल डिलीवरी ना होने का बहाना बनाकर प्राइवेट अस्पताल का सलाह दे दी जाती है, और वहाँ पर जब लंबा मोटा बिल बनता है तो इनका एक लंबा लंबा कमीशन बन जाता है। अगर एक महिला प्रसव महिला के अगर 30,000 या 40,000 रुपये लगता है ऑपरेशन में या वैसा डिलीवरी समय, तो करीब 8,000-10,000 रुपये कमीशन बनता है और महीने में 10-12 प्राइवेट में भेज देती हैं। अभी नहीं होगा बच्चा। पोखराया सीएससी साल में प्रसूता महिलाओं को रेफर क्यों किया जाता है? पोखराया सीएससी साल में प्रसूता महिलाओं को रेफर क्यों किया जाता है? क्या माना जाए कि पोखराया सीएससी साल के डॉक्टर भी प्राइवेट से मिले हुए होते हैं क्या? अब वो थोड़ा हमें क्या पता, हम तो क्या नहीं, क्या कारण नहीं है सुविधा नहीं है, सुविधा यह नहीं है कि अगर बीपी हाई हो रहा है तो मरीज के लिए व्यवस्था नहीं है वहाँ पर। देख सकते हैं लगातार स्वास्थ्य महकमे में पोखराया सीएससी में भी लगातार आरोप लगा रही आशा बहू, जहाँ पर उनके पास मशीनें ही अच्छी नहीं है, जहाँ पर गर्भवती महिलाओं को प्राइवेट साल के लिए सलाह दे दी जाती है। अगर 4 पॉइंट है तो वहाँ डिलीवरी नहीं हो सकती, क्योंकि खुद लेती पैसा, हो पैसा न दे तो दुनिया को ना बोला। हम लोग छुट्टी नहीं करती। कौन से गांव के हैं? डिलोलिया बांगर। डिलोलिया बांगर हैं। आपकी पत्नी किस तरह से एक्सपायर हुई है, कुछ आपके पास जानकारी होगी उसके बारे में बताएं। हमारे बच्चे को एक आशा द्वारा हम वहाँ ले गए पोखराया, वहाँ पोखराया में ले जाने के बाद उसने कहा अल्ट्रासाउंड करवा ले, हम करवा के वहाँ उनके पास ले आए और बिल्कुल साधारण थी, कोई दिक्कत नहीं थी उनको, ज़्यादा हल्का पेट सा दर्द होता था, तो हम वहाँ दिखाया। उसके बाद 5 मिनट बाद हम बाहर थे, उसके बाद 5 मिनट बाद उसने कहा कि क्या नाम, आप जल्दी जल्दी यहाँ उसके पति को बुलाइए, जल्दी बुलाइए और हमसे साइन करवाए, कहा इसको ले जाइए यहाँ से जल्दी से, और उन्होंने एम्बुलेंस में लाद दिया और हम लोग बड़बड़ा गए, हमारा दिमाग ही काम नहीं करता था, ऐसी हालत पोजीशन थी, हमारा माइंड भी बिल्कुल काम नहीं कर रहा, जैसी पोजीशन उसने कर दी थी हमारे अस्पताल में। अच्छा ये बताइए कि आपकी पत्नी कितने महीने की गर्भवती थी? लगभग 6 महीने से और 8-10 दिन होंगी। अच्छा इस बीच में कोई स्वास्थ्य विभाग से आशा या कोई एनम या कोई और डॉक्टर आपके गाँव या आपके घर पर आया टीकाकरण के बारे में आपको कुछ बताया? नहीं, तो हमें कोई सूचना ही नहीं दी और ना किसी ने बताया, जब हमको कोई दिक्कत हुई तो हम उसके पास गए थे, तब हमारे साथ वो चली थी आशा उस दिन। ये बताइए कि आपको कोई कार्ड कभी मतलब मिला नहीं है, स्वास्थ्य कार्ड जो मिलता है प्रसूता के लिए टीकाकरण का कार्ड मिलता है, वो मिला था? टीका ही नहीं लगे तो कार्ड कहाँ से मिलेगा, कभी टीका नहीं लगा? नहीं, टीका नहीं लगे। और कोई कार्ड भी नहीं बना? नहीं, कार्ड नहीं बना है। एनम दीदी कभी आई आपके यहाँ? नहीं, आपके गाँव की एनम है जिनकी ड्यूटी है आपके गाँव में, वो आपके घर में कभी आए? नहीं आई यहाँ। कोई टीका लगाने नहीं आया? नहीं, कोई टीका लगाने। और आशा बहू की जो ड्यूटी होती है वो आपके घर में कभी पूछने आई आपकी पत्नी? नहीं, पूछने नहीं आई। ये
टीका के बारे में कोई सलाह नहीं? नहीं, कोई सलाह नहीं दी। कितने बच्चे हैं आप? हमारे तीन बच्ची हैं, एक जे है बच्ची, एक जे तीन बच्ची हैं।